नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शॉर्ट फॉर क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पिछले 24 आवर में नियर अबाउट 80% का जो है प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है उसके कॉइन्स में, और पिछले 7 डेज में मोर देन 100% का जो है प्राइस गेनिंग हुआ है। जैसा कि अभी आप देख पाएंगे कि ग्लोबली जो है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है 1.2 ट्रिलियन के अराउंड है, और जो है अभी विद इन 24 आवर जो है करेंट मार्केट में है जो 1-1.1% का जो है डिफरेंस आया है। मैं बात करने वाला हूँ बिटगेट ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप या फिर कॉइन की वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं बिटगेट जो है टोकन्स के बारे में। इस जो है बिटगेट ब्लॉकचेन के जो नेटिव टोकन है बिटगेट, इसके बारे में मैं बहुत ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख के इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो ये भी मैं अपलोड किया हुआ था कि आप मेटामास्क को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे जो है बिटगेट ब्लॉकचेन्स के साथ, उसका भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख के ये सब सारा कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं कि बिटगेट मेननेट है। मैं इसके जो है इस ब्लॉकचेन्स के बहुत सारा अलग अलग तरीके से इसको यूज किया हुआ हूँ। इसमें कुछ टोकन्स भी है मेरे पास, इसमें जो है स्टेबल क्वाइंस को भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ अल्टरनेट ऑल्ट क्वाइंस को भी इंट्रोड्यूस कर लिए गए हैं। आप ब्रिज के थ्रू यहाँ पे ये कर सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं ये सारा कुछ। तो मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ जो जैसा मैंने बताया कि बिटगेट के बारे में। जैसा आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखेंगे कि आप विद इन 24 आवर जो है वो 85% का जो है नियर अबाउट 85% और 85% का प्राइस जो है इंक्रीमेंट हुए हैं इसके प्राइस में। और यहाँ पे टोटल सप्लाई देखेंगे कि 1 क्वाड्रिलियन है, लेकिन टोटल सप्लाई से नियर अबाउट 40 और मोर देन 40% जो है वो बर्न कर दिए गए हैं इस टोकन्स को। इसमें बाय बर्न मैकेनिज्म का जो है ये है फीचर्स है इस टोकन्स में, वो क्या है वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में। अभी आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस इंपैक्ट वगैरह ये सारा कुछ। अभी भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुआ है दोस्तों, अगर आप इसके टोकन्स को परचेज करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे जो है कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, $5, $10, $15 वगैरह जो आप चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है आप खुद से एक बार अच्छे तरीके से इस जो है प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी कर लें, सोच लें, समझ लें। अभी आप अगर $1 के अराउंड इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो $1 में आपको नियर अबाउट 1.14 जो है 1.1 मिलियन के अराउंड आपको टोकन्स मिलने वाले हैं। ये सारा कुछ आप जैसा अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो है वो सिर्फ बिनांस स्मार्ट चेन पे ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, लेकिन इसका खुद का अपना जो नेटिव ब्लॉकचेन है उस पे भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। स्टेबल कॉइन्स को जैसा इंट्रोड्यूस किया गया है वहाँ से ब्रिज कर सकते हैं। ये सारा कुछ ब्रिज कैसे करेंगे इसके बारे में भी मैं वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ, उसका भी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देख के वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको सिंपल अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या करना है, इसको सबसे पहले सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको अगर मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट जो भी यूज करते हैं वहां पे आपको पैनकेक स्वैप ओपन करना कर लेना है, और यहाँ से जो है इसके कॉन्टेक्ट एड्रेस कॉपी करने के बाद इस पे आना है और वापस से पैनकेक स्वैप पे यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है अपने वॉलेट को। जैसे ये मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये चूंकि ये बिटगेट ब्लॉकचेन में शो कर रहा था इस वजह से यहाँ पे बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करने बोल रहा है। यहाँ करने के बाद सिंपल आपको क्या करने हैं, ये जो केक है यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे सिंपल आपको कॉन्टेक्ट एड्रेस कॉपी कर लेने हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ हूँ इसलिए ये आ रहा है सेलेक्ट करने के लिए, नहीं तो इम्पोर्ट का ऑप्शन आता, आप इम्पोर्ट कर लेते आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके। यहाँ अब भी आप देखेंगे कि जो स्लिपेज टॉलरेंस है इस टोकन के लिए मैं 16% ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ हूँ। अगर आप 15% या लेस देन 15% करेंगे तो इसका जो है स्वैपिंग कंफर्म नहीं होगा, स्वैपिंग जो है कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें नियर अबाउट 14 से 15% जो है जैसा मैं बताया कि बायबैक और बर्न मैकेनिज्म का इसमें ये है फैसिलिटी है इस टोकन्स के लिए। इसमें है कि आपको 14% के अराउंड जो है टोकन्स को लगभग हर एक ट्रांजेक्शन में कुछ टोकन्स को स्टेकिंग जो स्टेकर होल्डर होते हैं उनको कुछ दिया जाता है और कुछ टोकन्स बर्न कर दिया जाता है। इसलिए ये आपको स्लिपेज टोलरेंस हमेशा परसिस करने के लिए 16% और नियर अबाउट मोर देन 14 15% रखना है, तभी आपका जो है
ये ट्रांजेक्शन से जो है स्वैपिंग कंप्लीट होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे अगर अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 मिलियन टोकन्स के अराउंड आपको मिलेंगे, ये जो मेरे पास बीएनबी पड़े हुए हैं उस टोटल में, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी टोकन्स है तो मैं यहाँ पे अभी परचेज नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ और भी डिटेल्स आप जान सकते हैं, आप देखेंगे जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो देखेंगे कि 1 आवर में 0.7% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में, 24 आवर में 85% का हुआ है, 7 डेज में 128% का हुआ है इंक्रीमेंट जो है प्राइस इसका, और 14 डेज में 123% का। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे और भी डिटेल्स देख सकते हैं इसके बारे में, या खुद इसका ऑफिशियल वेबसाइट bitgo.com है वहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, या फिर इसका जो है ब्रिज वगैरह सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। आप खुद भी अगर थोड़ा सा इसमें नॉलेज रखते हैं क्रिप्टो करेंसी फील्ड में तो खुद से ये सब सारा कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सारा कुछ आप समझ पाओगे। अगर अभी भी कुछ क्यूरियस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे भी रिप्लाई करता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।